हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए स्काउट की टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो लेके आ चुका हूँ। अभी बहुत सारे स्पेस क्रू प्लेयर अच्छे नहीं खेल रहे हैं, तो मैं अभी थोड़े स्पेस क्रू रोल की टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से मैं आपको स्काउट का रोल समझा देता हूँ। स्काउट के पास एक एबिलिटी होती है कि वो ना अपना वाइड एंगल सिलेक्ट करके वो ऊपर से बहुत ऊपर से एंगल लेके वो देख सकता है। यहाँ पे आप अगर मिनी स्क्रीन में देखेंगे तो स्काउट ना बहुत देखिए यहाँ पे ऊपर से देख सकता है। तो ये स्काउट की एबिलिटी है, ये बहुत कमाल की है। और अगर लाइट अप का सेबोटाज होता है और आप स्काउट की एबिलिटी यूज करोगे तो भी आप क्लियर विजन से आप देख पाओगे। यहाँ पे आप मिनी स्क्रीन में देखोगे तो लाइट ऑफ का सेबोटाज होता है, और जैसे ही स्काउट का विजन पे क्लिक करते हो आपको सब कुछ दिखता है, फिर चाहे लाइट ऑफ क्यों ना हो। बस इतना सिंपल और इजी रोल है, फिर भी बंदे स्काउट का रोल नहीं लेते। तो चलो टिप्स एंड ट्रिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है जेमिक्स के बारे में। आप एनर्जी रिंग यूज़ कर सकते हो, आप रिमोट बटन भी यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन स्काउट के लिए सबसे बेस्ट एनर्जी रिंग है, क्योंकि आप कोई भी शॉर्ट टास्क करोगे फिर आप एक ड्रिंक पियोगे तो आपकी एबिलिटी तुरंत ही चार्ज हो जाएगी और आप जल्दी से यूज़ कर पाओगे। आप रिमोट बटन भी यूज़ कर सकते हो, जब भी स्काउट करके अगर कोई मार के चला जाता है या वेंट कर लेता है तो आप रिमोट बटन से मीटिंग बुला के फिर सीधा बंदे को वॉट आउट कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट स्काउट के लिए अपना एनर्जी ड्रिंक ही है, क्योंकि आप कोई भी टास्क करोगे और सीधा ड्रिंक पियोगे आपकी एबिलिटी तुरंत चार्ज हो जाएगी और आप यूज कर पाओगे। तो दूसरी टिप है, ऐसे कौन से शॉर्ट टास्क होते हैं जो जल्दी से करने से आपकी एबिलिटी चार्ज हो जाती है। तो देखो आप लेफ्ट साइड स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने सभी मिशन यहाँ पे डाले हुए हैं, वो सभी शॉर्ट टास्क है। अगर आपको वो सारे टास्क मिनी मैप में देखने हैं तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहे सारे वो शॉर्ट टास्क, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, या फिर आपको याद रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारे टास्क एक ही गेम में नहीं आएंगे, कोई भी रैंडमली दो टास्क आएंगे। इनमें से अगर आपके जो भी दो टास्क आएंगे तो आपको शुरू में वहीं पे जाके टास्क कंप्लीट करना है और अपना जो एनर्जी ड्रिंक है वो पी लेना है, ताकि आपकी एबिलिटी जल्दी से चार्ज हो सके और आप उसे यूज कर पाओ। तीसरी टिप है कि जब भी आप स्काउट करके देखते हो तो अपने आसपास के सराउंडिंग पे कौन सा प्लेयर का कलर जा रहा है वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे सूरज में ग्रीन की बॉडी कटी हुई थी, व्हाइट और रेड साथ में जा रहे हैं और अपना ऑरेंज एडमिन में था। तो अब आप मीटिंग में देखो कि रेड मर चुका है और व्हाइट जिंदा है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन इम्पोस्टर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हमने व्हाइट को निकाल दिया। तो ऐसे करके आप इम्पोस्टर और न्यूट्रल रोल को पकड़ सकते हैं, व्हाइट अपना ग्लूटोन ही था। अब जो चौथी टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन टिप है स्काउट की, कि कब आपको स्काउटिंग करना है। तो जब भी फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आपको ना अपने माइंड में 1 से लेकर 25 का काउंट करना स्टार्ट कर देना है। जब भी आपका काउंटिंग 25 के पास पहुंच जाएगा या 25 प्लस जाएगा तभी आपको स्काउटिंग पे क्लिक कर देना है। आपको 25 से 28 के बीच में ही आपको स्काउटिंग करना है, वो सबसे बेस्ट टाइमिंग है स्काउटिंग करने का, क्योंकि इम्पोस्टर का कूलडाउन 25 सेकंड का होता है। तो 25 सेकंड के बाद वो किल जरूर करता है। तो आपने यहाँ पे देखा एडमिन में निंजा किल हुआ था और व्हाइट अपना निंजा था, वो हमें दिख चुका है। पांचवी टिप्स है कि आप स्काउट में से हैकर कैसे बन सकते हो। तो देखो आपको एडमिन टेबल पे आना है, यहाँ पे आपको सबकी लोकेशन दिखती है लेकिन अब कौन कहाँ है वो नहीं दिखता। जैसे ही एडमिन मैप में ब्लिंक होता है आपको तुरंत स्काउट पे क्लिक कर देना है और स्काउट व्यू से देख लेना है। तो ऐसे करके भी आप इम्पोस्टर को पकड़ सकते हैं। छठी टिप्स है कि कौन सी लोकेशन सबसे बेस्ट है स्काउटिंग करने के लिए। तो देखो एक जगह है यहाँ पे मेडबे के कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको स्काउटिंग करना है, यहाँ पे आपको सब दिखता है। दूसरी लोकेशन आपको सामने चले जाना है मेडबे की इस साइड, तो मेडबे की ये दो बेस्ट जगह है, यहाँ पे आप बहुत सारा व्यू आप कवर कर सकते हो। तो अभी आपने देखा ग्रीन रिएक्टर में से वेंट से बाहर निकला है। अब तीसरी लोकेशन है वो हमारे एडमिन की वेंट के ऊपर चले जाना है और वहाँ से कैफेटेरिया या इलेक्ट्रिक के साइड मुड़ जाना है आपको, यहाँ से भी आप मैप का बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हो। सातवीं टिप से, अगर गेम में डॉक्टर आता है तो आप डॉक्टर के साथ चले जाओ। जैसे ही डॉक्टर का एरो आएगा आपको डॉक्टर को बोल रहा है कि इमोट दिखाना और जिस डायरेक्शन में एरो गया उसी तरफ आपको भागना है। तो ऐसे करके आप तुरंत ही स्काउट करके देख लीजिएगा और तब आपको पता चल जाएगा कि किसने मारा है। शुरू में तो डॉक्टर नहीं आएगा लेकिन आपको डॉक्टर को ट्रस्ट दिलाना होगा कि हाँ आप सेफ प्लेयर हो। और अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हो, आप ना सबकी लोकेशन देख लीजिएगा और फिर मीटिंग में बोल दीजिएगा कि ये बंदा इटल था, ये बंदा यहाँ पे था। तो ऐसे करके आप अपने आप को सेफ कर सकते हो। इसके बाद मैं सिक्योरिटी रोल की टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों रोल बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे बंदे गलती करते हैं और सिलेक्ट नहीं करते। तो आई होप गाइस आपको ये स्काउट के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर जितने भी नए हो वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny impostor.